प्याज से आज एक ऐसी हेयर ग्रोथ की रेमेडी बनाएंगे जो कि आपके बालों के झड़ने को तो रोक ही देगी, आपके बालों की नई ग्रोथ भी इससे होगी। और ये रेमेडी इतनी पावरफुल है कि आपके बालों को अगर वाइट हो चुके हैं तो उनको ब्लैक करने में भी हेल्प करेगी और बालों की सारी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसे एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए इसको बनाना देख लेते हैं। इसके लिए आपको छोटी वाली प्याज चाहिए होगी जिसको शैल्स बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर चाहिए होगी। चार से पाँच लिया है मैंने छोटी वाली प्याज, उसको छील लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा सल्फर होता है, ये आपके बालों को लंबा और घना और नए बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अच्छे से छील के छोटे छोटे टुकड़ों में आपको प्याज को काट लेना है। अब हम लोग को चाहिए एक बाउल या पैन जिसमें आपको इसको बनाना हो। इसमें हम लोग डाल लेंगे 1 ग्लास भर के पानी, मैं यहाँ फिल्टर्ड वाटर का यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम लोग डाल देंगे कटी हुई प्याज, साथ में हम लोग को चाहिए चाय की पत्ती। चाय की पत्ती बालों को ग्रो करने के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है। इसमें होता है निकोटिनिक एसिड जो कि बालों को लंबा और घना बनाता है। इसमें हम लोग डालेंगे 2 से 3 चम्मच चाय की पत्ती और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाय की पत्ती से हमारे प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम भी दूर होती है। अब इसे हम लोग को बॉयल करना है, गैस पे रख देना है और इसे बॉयल करना है 4 से 5 मिनट के लिए। इससे प्याज की सारी गुडनेस और चाय पत्ती की सारी गुडनेस इस पानी में आ जाएगी और हमारा जो पानी है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तैयार हो जाएगा, एक होम रेमेडी बन जाएगा। अच्छे से बॉयल कर लेना है और जब आप देखेंगे कि पानी का कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, 4 से 5 मिनट 6 मिनट लगेगा इसमें, तो आप गैस फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम लोग इसे छान लेंगे, एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और ये हमारी जो रेमेडी है ये बनके तैयार है। स्ट्रेन करने के बाद ये जो बन के आया कंकॉक्शन ये हमारे बालों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे आपको अपने हेयर को रिंस करना है, यानी कि बाल धोने से पहले अपने पूरे बालों पे इस सॉल्यूशन को आपको डाल लेना है अच्छे से, और डालने के बाद आपको इसको अपने बालों पे छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद जैसे नॉर्मल आप अपने बालों को शैम्पू करते हो वैसे ही आपको शैम्पू कर लेना है और आपको रिज़ल्ट एक ही बार में मिलेगा। पहले वॉश से ही आपको फ़र्क नज़र आएगा, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपके नए बालों की ग्रोथ आपको खुद नज़र आएगी। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये हेयर रिंस है आपके बालों के लिए। इसको वीक में आपको एक बार यूज़ करना है, एक बार से ज़्यादा नहीं यूज़ करना, बस एक ही बार यूज़ करना है। बाकी हफ्ते में आप जो भी कोई और रेमेडी यूज़ कर सकते हो, अपने लिए हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको सिर्फ वीक में एक ही बार यूज़ करना है और इससे आपको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको आपको फ्रेश ही बना के यूज़ करना है, दोबारा इसे रिपीट नहीं करना, जब बनाना है तो फ्रेश ही यूज़ करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।